एक बात तो है दोस्तों कि असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का है। हे ट्रैवलर्स, तो स्टार्ट करते हैं लद्दाख का जर्नी। जम्मू कश्मीर से जब से लद्दाख अलग हुआ है तब से लद्दाख टूर और भी इजी हो गया है। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि लद्दाख का जो टूर होगा कंप्लीट टूर, आप कैसे घर से लद्दाख पहुंचेंगे, लद्दाख से कैसे आप वापस घर तक पहुंचेंगे, तो ये जो डिटेल्स होगा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा कितना बजट चाहिए आपको लद्दाख के लिए, कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, आपका जो रूट मैप होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आपको एंड तक रहना है इस वीडियो में। अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। तो पहले तो लद्दाख पहुंचने के लिए मैं तीन रोड शेयर करूंगा आपको, तीन रास्ते कि लद्दाख आप कैसे पहुंचेंगे, कहां कहां से आ सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको और एक रूट शेयर करूंगा जो ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग होगा। तो गाइस, पहला तो आपको सबको पता है बाय फ्लाइट बाय एयर आप पहुंच सकते हैं लद्दाख। आपको दिल्ली, श्रीनगर एंड चंडीगढ़ से आपको एवरीडे फ्लाइट मिल जाएगा। हाँ, चंडीगढ़ से एवरीडे नहीं मिलेगा, बट दिल्ली से आपको एवरीडे मॉर्निंग को आपको फ्लाइट मिल जाएगा लेह के लिए। तो लेह पहुंचने के लिए देर से दो घंटा लगता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, लेह आप आराम से पहुंच सकते हैं अगर आप फ्लाइट में आ रहे हैं। तो फ्लाइट से अगर लेह पहुँच रहे हैं आप, तो आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट फ्लाइट लेना है और लद्दाख पहुँचना है, लेह पहुँचना है। तो लेह पहुँचने के बाद आप अपना टूर इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एडवेंचर पसंद है तो आप रोड का जो रोड है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो रोड से पहुंचने के लिए अभी पहले तो मैं दो रोड आपको शेयर करूंगा, उसके बाद और एक रोड है जो मैं आपको लास्ट में शेयर करने वाला हूं। तो पहला मैं शेयर करता हूं श्रीनगर टू लेह। तो अगर आप श्रीनगर टू लेह आप अगर लेह पहुँच रहे तो आपके लिए अलग होने वाला है, और अगर आप मनाली से लेह पहुँच रहे तो आपके लिए अलग एडवेंचर होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि श्रीनगर टू लेह ये NH1 है, ये थोड़ा बहुत ठीक है, रास्ता बहुत अच्छा है। लेकिन मनाली टू लेह थोड़ा ऑफ रोडिंग आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको एडवेंचर थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, और ठंडे भी ज़्यादा इस साइड पे ज़्यादा होते हैं। तो गाइस, अगर आप श्रीनगर टू आप लेह पहुँच रहे तो आपको रास्ते में करगिल वॉर मेमोरियल, लामाइरू, उसके बाद मूनलैंड, संगम, मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, ये सब सारे के सारे आपको रास्ते में मिल जाएगा। और हाँ, श्रीनगर टू लेह लगभग 420 किलोमीटर है, मतलब 420 किलोमीटर आपको लग जाएगा। अगर रोड का कंडीशन ठीक ठाक रहा तो आपके लिए 12 से 14 घंटा आपको लग सकता है श्रीनगर टू लेह पहुंचने के लिए। अगर रोड कंडीशन ठीक ठाक रहा तो आप 10 से 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर थोड़ा जाम है, कुछ और प्रॉब्लम हो गए रास्ते में, तो आपको 14 घंटे तक लग सकता है। तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट पहुंचने के लिए, अगर आपके पास कार है तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, अगर बाइक है तो आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इतने मतलब 12 घंटा या 14 घंटा कंटिन्यू ड्राइव करना। आपको पता है बीच में कारगिल में आप स्टे कर सकते हैं, और उससे पहले आप स्टे करना चाहते हैं तो आप सोनमार्ग में स्टे कर सकते हैं। तो बहुत सारे पासेस आपको मिलेगा श्रीनगर टू लेह हाईवे में, जैसे कि नम किला, फातुला, जोजिला, तो आप सबको पता है कि ये आपको रास्ते में मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। लेकिन रोड का जो कंडीशन है बहुत ही अच्छा है श्रीनगर टू लेह। तो मैंने आपको श्रीनगर टू लेह का डिटेल्स आपको दे दिया, अभी बात करता हूँ मैं मनाली टू लेह कैसे आप पहुँचेंगे। मनाली टू आप लेह पहुँचने के लिए ये जो रोड है थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। मनाली टू लेह हाईवे कम से कम 430 किलोमीटर तक है, ये भी सेम टाइम आपको लग सकता है, जैसे कि 12 से 14 घंटा आपको लग सकता है। एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, आपको थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और रोड कंडीशन के ऊपर, क्योंकि वेदर कंडीशन के ऊपर, वेदर चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कभी बारिश होता है इस टाइम पे, जैसे कि मई जून के बाद अगस्त के उस टाइम पे थोड़ा बारिश होता है, तो लैंडस्लाइड वगैरह होता है, तो कभी कभी रोड वगैरह बंद हो जाता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो डिपेंड करता है टोटली कंडीशन के ऊपर कैसा है रोड कंडीशन, वेदर कंडीशन कैसा है। और हाँ, मैं बता दूँ कि जो लद्दाख का ट्रिप है वो सबसे बेस्ट टाइमिंग है, सबको पता है अप्रैल टू अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर तक आपका जो लद्दाख ट्रिप है आप कर सकते हैं। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद ही आप आएंगे तो सही रहेगा, मतलब मई के बाद आप आएंगे बाई रोड से तो आपके लिए इजी होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अगर अर्ली आना चाहते हैं बाई रोड, तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए एडवेंचर और ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं अप्रैल से, आपको बुकिंग वगैरह मिल जाएगा लेह में, पेंगोंग में, नुब्रा में,
हर जगह आपको बुकिंग मिल जाएगा, लेकिन अगर रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो अप्रैल में थोड़ा बहुत टफ हो सकता है। तो मनाली से अगर आप ले के लिए आ रहे हैं तो बीच में आपको जिस्पा मिलेगा, जिस्पा पे आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि ये रोड बहुत लंबा होने वाला है, आप इतना लंबा ड्राइव नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, आपको जिस्पा पे स्टे करना आपके लिए सही रहेगा। हाँ, आपके पास दो ऑप्शन और भी है, जैसे कि मनाली से अगर आप ले आ रहे हैं तो बीच में आपको रोहतांग पास या अटल टनल, दो ऑप्शन मिलेगा आपको, जिस रोड से जाना है आप आ सकते हैं। अटल टनल से थोड़ा सही है रास्ता, रोहतांग पास से थोड़ा ऑपरेटिंग ज़्यादा है और थोड़ा ज़्यादा आपको घूमना पड़ेगा, कि आपको कई किलोमीटर सबको ज़्यादा लगेगा, तो अटल टनल से इजीली आप आ सकते हैं। तो श्रीनगर टू ले एंड मनाली टू ले, ये दोनों हाईवे छोड़ के आपको और एक ऑप्शन मिलता है, जो कि मनाली से होकर आपको सिनगुला, पैदाम और जानसकर भीले होकर आप ले आ सकते हैं, लेकिन ये रोड बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है और थोड़ा रिस्की भी होते हैं। आने से पहले आपको आप सोच लेना है और वेदर फोरकास्ट वगैरह आप देख लेना है और इसके बारे में थोड़ा आप ज़्यादा सर्च कर लेना है आने से पहले। अगर आप प्रोफेशनल राइडर है तो आपके लिए सही है, लेकिन आप अगर मतलब बिगिनर्स है, स्टार्टिंग, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है बाइक राइडिंग या कार राइडिंग का, तो ये रोड आपके लिए बहुत ही रिस्की होने वाला है। तो ये था अब तक के अपडेट्स कि आप कैसे लद्दाख पहुँचेंगे। मैं आपको राउंड अप बता देता हूँ, जैसे कि आप अगर श्रीनगर से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो श्रीनगर टू ले, ले से फिर आप मनाली होकर आप घर रिटर्न कर सकते हैं, या तो आप उल्टा कर सकते हैं, मनाली टू ले या ले टू श्रीनगर होकर आप घर रिटर्न कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप कहाँ से आना चाहते हैं। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं, आपका खुद का कार है, खुद का बाइक है, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप जैसे कि फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ले पहुँचने के बाद आपको एक दिन या दो दिन रेस्ट कर लेना है, क्योंकि आप वेदर कंडीशन के साथ जब आप एडजस्ट नहीं होंगे तो आपका हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ज़्यादा होगा, तो जब आप नुब्रा या पैंगोंग जाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो जब आप ले पहुंच रहे हैं, एक दिन आपको क्या करना है, स्टे करना है, कम से कम आपको एक दिन रेस्ट लेना है ले पहुंचने के बाद, नहीं तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, सर दर्द या आपको वॉमिटिंग होगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक दिन स्टे कर लेना है ले पहुंचने के बाद अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं जैसे बाइक या कार से, तो क्या होता है कि रोड आते वक्त ही जब आप आ रहे हैं, जैसे कि श्रीनगर टू ले या मनाली टू ले आ रहे हैं, उस टाइम पे बहुत सारे आपको पासेस मिलेगा, तो आप आते आते ले पहुंचते पहुंचते आपका वेदर कंडीशन के साथ आप एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन बाय फ्लाइट आप आएंगे तो क्या होता है, सडनली आपको वेदर चेंज हो जाता है, तो एडजस्ट होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो एक दिन आप या दो दिन आप स्टे कर सकते हैं ले में, उसके बाद आपका आगे का टूर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रैवलर्स, आप पहुँच गए लद्दाख पे, लद्दाख से आपका जो जर्नी है आगे का स्टार्ट होता है। लेह में आप स्टे करने के बाद आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है, जैसे कि नुब्रा, पैंगोंग, सोमोरी, डिपेंड करते हैं आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आपका आइटिनरी क्या है। तो मैं कंप्लीट आइटिनरी फिर भी मैं आपको शेयर करता हूँ, उसके बाद उसी हिसाब से आपका जो आइटिनरी आप रीमेक कर सकते हैं। जैसे कि लेह में स्टे करने के बाद, मतलब आप जिस दिन लेह पहुँच गए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग को लेह पहुँच गए तो आप इवनिंग को लेह मेन मार्केट, शांति स्तूपा, उसके बाद हॉल ऑफ फेम, मैग्नेटिक हिल, ये सब आप कर सकते हैं। मैग्नेटिक हिल आप शायद नहीं कर पाएंगे इवनिंग को, लेकिन आप शांति स्तूपा और मेन मार्केट और हॉल ऑफ फेम आप कर सकते हैं। हाँ, मैं आप ये बताना चाहूँगा, अगर आप शांति स्तूपा विजिट करना चाहते हैं तो आपको अगर शाम को विजिट करेंगे तो वहाँ पे लाइटिंग जो होता है बहुत अच्छा व्यू होता है, और आप वहाँ से ले सिटी का व्यू बहुत अच्छा होता है, और मोनेस्ट्री का भी जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है, शांति स्तूपा का व्यू जो बहुत ही खूबसूरत होता है लाइट में, मतलब शाम को। तो ये आप अगर शाम को जाएंगे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक व्यू मिलेगा। सो गाइस, ये था ले का। अगर आप दूसरे दिन आप ले में घूमना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे जगह है ले में, जैसे कि स्टोक पैलेस आप जा सकते हैं और इंडस व्यू पॉइंट, ये भी आप जा सकते हैं, उसके बाद संगम, मैग्नेटिक हिल्स, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, ये सब आप विजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो जर्नी है, जैसे कि नुब्रा, पैंगोंग या सोमोरी, यहीं से आपका जर्नी, मेन जर्नी जो आपका स्टार्ट होता है, तो डिपेंड करता है आपका आइटिनरी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे कि सबको पता है आप पहले नुब्रा से स्टार्ट करते हैं, पहला दिन आप नुब्रा जाके स्टे करेंगे। जैसे कि अगर आप नुब्रा जाएंगे तो खारदुंगला होकर आप नुब्रा जा रहे हैं, नुब्रा में हुंडोर या डिक्सिट में आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप तुरतुक जाना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है, मतलब वहाँ से पीओके स्टार्ट होता है पाकिस्तान बॉर्डर तक, तुरतुक थांग विलेज एक गाँव है, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि लेह से अगर नुब्रा जा रहे हैं, लेह से नुब्रा का दूरी है लगभग 160 किलोमीटर, और वहाँ से तुरतुक का, मतलब नुब्रा से तुरतुक का फिर और भी आपको 80 किलोमीटर तक लग सकता है, मतलब 80 किलोमीटर नुब्रा से तुरतुक जाने के लिए लगेगा। अगर आप
चाहते हैं कि आप नुब्रा सॉरी आप तुरतुक में विजिट करना चाहते हैं, इंडिया का लास्ट विलेट आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप नुब्रा में स्टे नहीं करके आप डायरेक्ट अगर लेह से डायरेक्ट अगर तुरतुक चला जाएंगे, तुरतुक में एक पहले दिन जाके स्टे करेंगे तो आपके लिए शायद ईजी होगा, और वहाँ पे विजिट करने के बाद इंडिया का लास्ट गांव विजिट करने के बाद आप वापस नुब्रा में आ जाएंगे। हुंडुरिया डिक्सिट पे आप स्टे कर सकते हैं। हुंडुरिया डिक्सिट पे स्टे करने के बाद आप वहाँ से अगर आप सियाचिन बेस कैंप जाना चाहते हैं तो आपका जो ट्रैवल है टूर है ये पूरा कंप्लीट आइटिनरी चेंज हो जाएगा। अगर आप सियाचिन बेस कैंप नहीं जाना चाहते तो आप दूसरे दिन आप वहाँ से एक दिन मतलब पहला दिन आपका हो गया तुरतुक पे स्टे किया, उसके बाद नेक्स्ट डे आप नुब्रा में आ गए, हुंडुरिया डिक्सिट पे आप स्टे किया, जैसे कि सेंट ड्यून्स वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं, वो आपको नुब्रा वैली में मिल जाएगा। सेंट ड्यून्स मतलब जैसे कि ड्यूवल हम कैमल राइड आप कर सकते हैं वहाँ पर, तो ये वगैरह सब आपको नुब्रा में मिलेगा। डिक्सिट मोनेस्ट्री ये सब आपको मिल जाएगा हुंडुर डिक्सिट पे, डिक्सिट पे डिक्सिट मोनेस्ट्री, हुंडुर पे आपका नदी, तो बहुत ही अच्छा जगह है नुब्रा आपको इंजॉय करने के लिए। तो वहाँ से आपको फिर आपका जो जर्नी है पेंगोंग के लिए स्टार्ट होता है। अगर आप सियाचिन बेस कैंप जाना चाहते हैं तो आपका जो नुब्रा में स्टे है और एक दिन भर जाएगा, मतलब कम से कम तीन दिन आपको स्टे करना पड़ेगा आपको अगर सियाचिन बेस कैंप तक जाना है, तो सियाचिन बेस कैंप से उसके बाद आप पेंगोंग के लिए जा सकते हैं। तो नुब्रा से पेंगोंग का जो दूरी है वो है 180 किलोमीटर तक लगभग, जो भाया सेवोक होके जाते हैं, जैसे सेवोक रोड होके जाते हैं, जैसे कि आपको गालवान वैली शायद सुना होगा, जैसे जहाँ पे इंडिया एंड चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, वहाँ वही रोड होके आपको जाना पड़ेगा पेंगोंग तक। तो पेंगोंग में स्टे करने के बाद पेंगोंग में जब वो पहुँचेंगे तो पेंगोंग में पहुँचने के बाद आप एक दिन पेंगोंग में स्टे करेंगे, क्योंकि पेंगोंग में दो तीन दिन स्टे करने के लिए कुछ भी नहीं है, पेंगोंग में आप एक दिन स्टे करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 180 किलोमीटर आपको फिर से पेंगोंग के लिए जाना पड़ेगा, जैसे कि मतलब नुब्रा से पेंगोंग के लिए। ये जो किलोमीटर मैं बता रहा हूँ ये आपको डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप हुंडुर में है या डिक्सिट में है या आप तुरतुक में है या आप सियाचिन बेस कैंप पे है, कहाँ पे है वहाँ से आप जाएंगे तो पेंगोंग के लिए जाएंगे, तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे है उसी हिसाब से आपको जो किलोमीटर होगा वो काउंट होगा। अभी तो मैं 180 किलोमीटर बताया, जैसे कि ये हुंडुर से बताया मैंने, हुंडुर से आप स्पांगविक विलेज तक जाएंगे जैसे कि पेंगोंग में, तो आपको 180 किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे। सो पेंगोंग में एक दिन का स्टे के बाद आप वापस जैसे कि आप ले में जा सकते हैं रिटर्न, भाया चांगला पास होकर आप जाएंगे तो 160 किलोमीटर में आप ले पहुंच जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं हानले या सोमुररी तो आप चुसुल होकर हानले या सोमुररी जा सकते हैं, जैसे कि चुमथांग भिली होकर या सागाला होकर आप जाएंगे तो आप हानले तक पहुंच जाएंगे, अगर आप चुमथांग होकर जाएंगे तो आप सोमुररी तक पहुंच जाएंगे। जो आपको रूट अच्छा लगे वहाँ से ईजी लगे वही आप जा सकते हैं, जैसे कि डिपेंड करता है आप अगर सोमुररी सिर्फ जाना चाहते हैं तो आप चुमथांग होकर जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप जाना चाहते हैं हानले तक तो आप सागाला होकर आप हानले तक जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले पेंगोंग से चुशुल तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि चुशुल से कहां जाएंगे आगे। जैसे कि आप बाय रोड आ रहे हैं श्रीनगर टू ले आ रहे हैं, ले से फिर आप नुब्रा, उसके बाद पेंगोंग, उसके बाद सोमुररी आप आ गए, तो उसके आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ले नहीं आना चाहते रिटर्न, जैसे कि आपको खुद का कार लेके गए, खुद का पर्सनल बाइक लेके कार लेके गए, तो आपको ले रिटर्न आने की ज़रूरत नहीं है, आप सोमुररी से आप डायरेक्ट मनाली के लिए निकल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जैसे कि आपका खुद का नहीं है कार या बाइक आप लेके नहीं आए, जो वहाँ पे रेंटेड है, रेंटेड से आप आए बाई फ्लाइट आए, तो आपको फिर से आपको वापस ले जाना पड़ेगा। अगर आप ले नहीं जाना चाहते, जैसे कि आपका खुद का कार है, तो आप मनाली होकर जा सकते हैं। तो लास्ट में अगर मैं समराइज करूँ तो पेंगोंग में आप एक दिन रुक सकते हैं, सोमुररी में आप एक दिन रुक सकते हैं, हानले में आप एक दिन रुक सकते हैं, उसके बाद आप नुब्रा में आप दो से तीन दिन रुक सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। अगर जैसे आप दो चीज़ में आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कि आप तुरतुक या सियाचिन बेस कैंप एक स्किप कर सकते हैं, अगर आप सियाचिन बेस कैंप जाना चाहते हैं तो आप तुरतुक स्किप कर सकते हैं, अगर आप तुरतुक जाना चाहते हैं तो आप सियाचिन बेस कैंप की स्किप कर सकते हैं, अगर आप दोनों जाना चाहते हैं तो आपको तीन से चार दिन नुब्रा में लग जाएगा। तो गाइस ये था समराइज था कंप्लीट मैप का, जैसे कि पहले ले टू नुब्रा भाया खारदुंगला पास होकर, फिर भाया सेवोक होकर नुब्रा टू पेंगोंग लेक, पेंगोंग से चुशुल होकर भाया चुशुल होकर आप हानले या सोमुररी जा सकते हैं। तो ये लद्दाख रूट मैप का कंप्लीट डिटेल्स था।
आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ रुकेंगे, सब डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा कि बजट कहाँ का स्टे करने के लिए कितना बजट चाहिए, और बाइक रेंटल आप कहाँ से मिलेगा, बाइक रेंटल के लिए कितना प्राइस चाहिए, अभी कितना रेट चल रहा है, कौन सा बाइक कितना प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ए टू जेड डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में ट्रिप रूट मैप के बारे में था, और कोई भी आपको अगर डाउट्स है, कोई भी आपको सवाल हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो थैंक यू सो मच।